हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीरास केक डिलाइट। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल से केक की डेकोरेशन करने वाले हैं। आप चाहे तो इसे बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी और भी सेलिब्रेशन के लिए बना सकते हैं, और कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा डिफरेंट है। तो ये मैंने क्या किया है, ऑरेंज जो जेल फूड कलर होता है उसे थोड़ा सा एक ड्रॉप में क्रीम में मिलाई तो ये लाइट टाइप का पीच शेड बन गया। ऑरेंज कलर को ऐसे भी अगर कम यूज़ करेंगे तो पीच शेड वाला ही इफेक्ट आता है, और अगर ऑरेंज कलर नहीं है तो आप क्या करें, नॉर्मली जो पीच कलर होता है वो ले लें, वो भी नहीं है तो हल्का सा एकदम टच करवाएं क्रीम में रेड कलर और येलो कलर, और आपका बन जाएगा ऑरेंज कलर। तो तीन तीन ऑप्शन मैंने दे दिए हैं ये लाइटर शेड बनाने के लिए। लेकिन हाँ, जब आप और दूसरे कलर का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही कम क्वान्टिटी में यूज़ करें। अगर आपको लगेगा डार्कर चाहिए तो थोड़ा आप और ऐड कर सकते हैं, बट कोशिश करें कि मिनिमम दम कलर दें जिससे कि परफेक्ट शेड आ पाए। अगर आपको ये शेड पसंद आ रहा है तो फिर नॉर्मल मैं ग्लास ली हूँ, छोटा सा ग्लास ली हूँ, जो भी ग्लास हो आपके पास पानी पीने वाला, ये मैं अपने बच्चों वाला ग्लास ले ली हूँ, उसे उलट के रख ली, और सनफ्लावर नोज़ल ली हूँ, और जैसे हम लोग रोज़ वाली फ्लावर बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से थोड़ा सा क्रीम वहाँ पे जो हाइट देने के लिए फ्लावर को किया, उसके बाद साइड में नीचे से ऊपर की ओर जो कर्व वाला एरिया है उसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर करेंगे, और इस पर फिर लास्ट में ऑरेंज डस्ट। अगर आप चाहें किसी और कलर का फ्लावर बनाना तो कोई और कलर के डस्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्रीम में नॉर्मल कलर मिला करके फ्लावर बना सकते हैं। ये ट्राईपॉड वाला लाइट के चलते ना फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स की क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही थी। ये मैंने जब वीडियो बना लिया, फिर जब मैं एडिट कर रही थी तब मैंने देखा, ऐसा आपको कभी दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल क्लीन फ्लावर बना था, बहुत खूबसूरत बना था, और ये रोज़ फ्लावर या फिर नॉर्मल रोजेट वाली फ्लावर को चेंज करना चाहें तो अलग अलग टाइप के फ्लावर्स चेंज करने चाहिए। मैंने भी सोचा चलो फर्स्ट टाइम है, ये नोज़ल कब से रखा पड़ा है, मैं कभी यूज़ नहीं की, तो इसलिए मैंने इस बार न्यू नोज़ल का यूज़ किया। और आपने देखा होगा ना, ये फॉर्क की हेल्प से अक्सर मेरे साथ ये हो जाता है, कभी फ्लावर प्लेस कर रही हूँ कुछ भी तो केक गड़बड़ हो जाता है। साइड में आपने देखा ना, फॉर्क की हेल्प से क्या हुआ, फिर मैं सोची अरे मैंने तो सोचा था तीन बस ये फ्लावर बना लूँगी, साइड में कुछ ऐसे ही बटरफ्लाई वगैरह लगा दूँगी, बट वहाँ पर मेरा केक हो गया ख़राब, क्योंकि इस जो फॉर्क से मैं रख रही थी वो फॉर्क का दाग पड़ गया, और उसे तो वैसे छोड़ नहीं सकते। फिर मैंने क्या किया कि जो नॉर्मल हमारे पास पीच क्रीम था जिसे मैंने कवर किया है पूरा केक को, उसमें मैंने पिंक फूड कलर ऐड किया। वो देखिए इतना प्यारा पिंक कलर बना था, ये नॉर्मल जो आप पिंक कलर डायरेक्ट डाल के बनाते हैं ना, उसके कंपैरिजन अगर ऑरेंज जो लाइट ऑरेंज था उसमें आप हल्का सा पिंक कलर डालिएगा, इतना प्यारा बेबी पिंक कलर बन के ये आएगा। और फ्लावर प्लेस कर रही थी, हड़बड़ी हड़बड़ी में इतने सारे ऑर्डर्स हो जाते हैं कि बहुत हड़बड़ी हो जाती है, फ्लावर्स नीचे गिर गए। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर ट्राई करती हूँ, हमें हिम्मत नहीं हारना। केक डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या फ्रेंड्स, पेशेंस। आपको लास्ट तक पेशेंस बना के रखना है, सिर्फ केक के वीडियो में यूट्यूब के लिए भी और केक बनाते हुए भी, दोनों में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तभी तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसे ही मीठा फल मिलेगा। लेकिन यहाँ हमें फल नहीं मिलने वाला, पैसे मिलेंगे जो हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद क्या था, मेरे पास ये पिंक कलर के जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे वो बच गए, तो उसे सबसे छोटे वाले स्टार नोज़ल, क्योंकि बहुत थोड़े से क्रीम बचे थे, अगर आपके पास थोड़ा सा क्रीम बचा है तो आप बहुत छोटा नोज़ल यूज़ करें, जिससे क्या होगा ना आपके क्रीम जो है वो कम लगेंगे। अगर आपके पास अच्छे खासे क्रीम बच रहे हैं और डेकोरेशन भी आप कुछ हैवी सा सोच रहे हैं तो फिर तो आप बड़े वाले नोज़ल यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि आपने देखा था कि तो थोड़ा सा क्रीम मेरा बचा, तो मैंने सोचा चलो या तो पर्ल वाला बॉर्डर दे देती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं ये छोटा वाला स्टार नोज़ल लेती हूँ, और इससे मैं नीचे बॉर्डर बना दी। नॉर्मली जैसे देखे हर एक में आगे से पीछे की ओर थोड़ा सा आगे हल्का बेंड शिफ्ट किए वहाँ ज़्यादा, और फिर खींच दिए नोज़ल को, और बस हमारा फ्लावर बन करके, सॉरी बॉर्डर बन करके रेडी है। और फ्लावर्स पर मैंने क्या किया, एक एक पर्ल लगा दिया है, हैप्पी बर्थडे का टैग, साथ में साइड में जो एडिबल वाले पर्ल होते हैं वो भी दो चार लगा दिए, लीव्स बना दिए, और सेंटर में जो ग्रीन कलर से मैंने ये दिया है ना, क्या वो जो फ्लावर्स को हाईलाइट करता है, तो उसी में मैंने वी कट लगा करके या फिर आप नोज़ल डाल करके ये लीफ बना सकते हैं, फ्लावर्स की खूबसूरती बढ़ा देता है ना लीफ, इसलिए। और कस्टमर ने मुझे बोला था गीता नाम लिखने के लिए, तो मैंने फॉन्डेंट से नॉर्मल एडिबल पेन से ये लिख दिया, और मुझे लगा कि हैप्पी बर्थडे वहाँ पे डिस्टेंस लग रहा था, बट सोची चलो कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया, और हमारा केक बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये कलर कॉम्बिनेशन, ये डिज़ाइन, और अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल बने हैं, बट वो ट्राईपॉड के लाइट के चलते वो क्लियर नहीं था। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये केक डिज़ाइन कैसा लगा। साथ ही और भी बहुत ही आसान से केक डिज़ाइन मैं आपके लिए डेली लाती हूँ,
तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। मैंने केक को कर दिया है पैक और अब वीडियो को भी पैक करने की बारी है, ख़त्म करने की। तो टिल देन स्टॉप हेटिंग एंड स्टार्ट बेकिंग। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिए वीडियो को।